अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता हैं और आपके मन में भी यही सवाल बना हुआ था कि जो वंदे गुजरात के नाम से चैनल देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो MHRD के नाम से जो चैनल हमें देखने को मिलते हैं, जितने भी एजुकेशन चैनल हैं वो डीडी फ्री डिश का हिस्सा है, और डीडी फ्री डिश इन चैनल्स को हटाकर कभी भी हमारे लिए कोई ई ऑक्शन भी कर सकता है। तो देखिए, आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डीडी फ्री डिश के पास केवल 6 ही ट्रांसपोंडर्स हैं, जिसमें से 5 ट्रांसपोंडर्स उनके लिए MPG 2 के हैं और एक ट्रांसपोंडर उनका है MPG 4 का, जिसके लिए आपके हाल ही में 15 चैनल्स लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा जो 2 ट्रांसपोंडर्स आपको चैनल देखने को मिलते हैं वंदे गुजरात के और MHRD के 32 चैनल से करीब, तो वह सभी के सभी डीडी फ्री डिश का हिस्सा नहीं है। वो एक गवर्नमेंट एजुकेशन चैनल है जो कि शुरू किए गए थे GSAT-15 सैटेलाइट पर, लेकिन वो मैंडेटरी है कि वो डीडी फ्री डिश को दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि डीडी फ्री डिश जो है वो सरकारी डीटीएच प्लेटफॉर्म है और वह सरकारी चैनल को नकार नहीं सकता है। तभी आपने देखा होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी ने हर एक राज्य के लिए चैनल शुरू किया था, जैसे डीडी गोवा, डीडी पानाजी, डीडी अगरतला, डीडी नॉर्थ ईस्ट, के अलावा जितने भी चैनल्स हमारे लिए अलग अलग जनर में लॉन्च किए गए थे, जिन पे आपको ज्यादातर कलर बार से देखने को मिलते हैं, प्रोग्राम बेशक कम देखने को मिलते हैं, तो वो भी मजबूरी में ही लॉन्च किए गए हैं डीडी फ्री डिश में, क्योंकि वो सरकारी चैनल्स हैं और सरकारी चैनल्स को डीडी फ्री डिश बिल्कुल भी नकार नहीं सकता है। तो अगर आपके मन में ये शंका बनी हुई थी कि वंदे गुजरात चैनल्स और MHRD के चैनल्स के अंतर्गत कभी भी आपके लिए ई ऑप्शन हो सकती है, तो देखिए भूल जाइए, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बेशक GSAT-15 पर अवेलेबल हैं, लेकिन ये डीडी फ्री डिश के फ्रीक्वेंसीज नहीं है। इसके लिए कभी डीडी फ्री डिश ने ना तो पहले कभी ई ऑप्शन की है और ना ही कभी आने वाले आगे समय में ई ऑप्शन करेगा, क्योंकि ये जो चैनल्स है वो डीडी फ्री डिश का पार्ट नहीं है। इन चैनल्स को जो है वो प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए भी मान्य किया गया है कि प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स भी इसे लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स जो है वो इसलिए पल्ला झाड़ देते हैं क्योंकि इनका कहना है कि अगर इन सभी चैनल्स को हम लॉन्च कर देंगे तो हमारा जो ट्रांसपोंडर स्पेस है चैनल्स को लॉन्च करने का वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन प्रसार भारती, दूरदर्शन जो है डीडी फ्री डिश है, उसे तो इन चैनल्स को दिखाना ही होगा, क्योंकि ये जो है सरकारी चैनल्स हैं और इसको मजबूरन ट्रांसमिट डीडी फ्री डिश को करना पड़ता है। अगर हम बात करें डिश टीवी के ग्राहकों के लिए, तो डिश टीवी में आपको वंदे गुजरात के चैनल्स और MHRD के चैनल्स इसलिए देखने को मिल जाते हैं क्योंकि डीडी फ्री डिश के जो कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं वो डिश टीवी भी ट्रांसमिट करता है, जिसके चलते ये जो चैनल्स आपको डिश टीवी के सेटअप बॉक्सेस में भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपके मन में ये भी सवाल था कि आने वाले समय में इन चैनल्स को हटाकर कोई ना कोई नया चैनल हमारे लॉन्च किया जाना चाहिए, हो सकता है, तो देखिए भूल जाइए, इन चैनल्स के लिए ना तो कभी ई ऑप्शन होने वाली है और ना ही इनकी जगह पर कोई आपके लिए नया चैनल लॉन्च होने वाला है। डीडी फ्री डिश जो है केवल उन्हीं चैनल्स के लिए ई ऑप्शन करता है जो कि उसकी खुद की फ्रीक्वेंसीज हैं और उसी में आपको चैनल्स देखने को दिए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी सवाल थे उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपके मन में कोई दिक्कत अभी भी बनी हुई है तो मुझे बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की जो वीडियो थी उसी प्रकार से थी, यदि मुझे और भी कोई खबर आती है तो जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा। नमस्कार।